इंडिया खबर लाइव में आपका स्वागत है और अब खबरों को देते हैं विस्तार। ग्वालियर के नवागत कलेक्टर अनुराग चौधरी ने बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर कार्यभार संभाल लिया। उन्हें भरत यादव की जगह ग्वालियर कलेक्टर बनाया गया है। पदभार ग्रहण करने पर कलेक्ट्रेट परिसर में उनका स्थानीय अधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया, तो वहीं नवागत कलेक्टर ने अपनी प्राथमिकताएँ गिनाते हुए कहा कि जिले के लोगों को बेहतर प्रशासनिक सुविधा मिल सके, इसके लिए उनके द्वारा प्रयास किया जाएगा। पुराने कलेक्टर द्वारा चलाए जा रहे कामों को आगे बढ़ाएंगे और स्थानीय समस्याओं को समझकर उन्हें सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। आज मैंने जिले का पदभार ग्रहण किया है। इस जिले में मेरी पूर्व में पदस्थापना रह चुकी है। जिले के जो इश्यूज़ हैं अभी प्रेजेंटली इलेक्शन लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित जो किसानों के इश्यूज़ हैं, जो अभी बोर्ड परीक्षाएँ चल रही हैं, वो इश्यूज़ हैं। फिर लॉन्ग टर्म में चूँकि आने वाले दिनों में पेयजल का इशू रहेगा और जो बाकी जो हमारे जल संरक्षण के इश्यूज़ हैं, हेल्थ है, महिला बाल विकास है, न्यूट्रिशन है, इन सारे इश्यूज़ को एक एक करके इशू एड्रेस किया जाएगा और कोशिश किया जाएगा जो ग्वालियर की जो ट्रेडिशनल जो हेरिटेज है और जो इसकी मॉडर्न जो लोगों के एचआर की स्किल्स भी हैं, दोनों को एक अमलगम करके हम एक अच्छे रूप में एक प्रेजेंट कर सकें और ग्वालियर के हित के लिए जो भी हित में काम होंगे वो हम सब लोग एक टीम के रूप में करने का प्रयास करेंगे। मेरा हिसाब से जो इश्यूज़ हैं, चूँकि मैं भी रहा हूँ, आप लोग भी इतने समय से हैं, जो बेसिक इश्यूज़ हैं कि जब पुरानी जल संरचनाओं को विकसित करना, यहाँ के जो भी हेरिटेज पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया, स्कूलों में टीचर्स टाइम पे आएँ, बच्चे जो निकलें उनकी गुणवत्ता इम्प्रूव रहे, जो अपने आंगनवाड़ियाँ समय पे खुलें, बच्चे ग्रहण करें, पीडीएस दुकानें समय पे खुलें, जो बेसिक चीज़ें हैं, जो तहसीलों में जो भी जो लोगों के काम होते हैं समय से हो जाएं, ग्राम पंचायतों में जिसकी पेंशन है पेंशन के लिए कोई व्यक्ति को भटकना ना पड़े, जो बेसिक इशूज़ हैं, गवर्नेंस के इशूज़ हैं, कोई नवाचार की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो बेसिक इशूज़ हैं उनको मैं एड्रेस कर पाएँ। और अभी अगले 2-3 महीनों में तो वो शॉर्ट टर्म टारगेट में यही है कि वो कर लें, उसके बाद जो और पुराने कलेक्टर्स ने जो भी अच्छे काम किए हैं उन्हीं को ही हम और सुदृढ़ करने का प्रयास करेंगे, उसके उपरांत ही हम कोई नवाचार का प्रयास करेंगे। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 4 आईएएस अफसरों के तबादले किए थे। इसके तहत ग्वालियर कलेक्टर भरत यादव को हटाकर उनके स्थान पर अनुराग चौधरी को कलेक्टर बनाया गया है। वहीं भरत यादव को ऊर्जा विकास निगम का एसडी बनाया गया है। राजस्व मंडल के सचिव सुरेश कुमार को केवीएनस ग्वालियर का एमडी बनाया गया है। वहीं मंत्रालय में पदस्थ विनोद शर्मा को राजस्व मंडल ग्वालियर भेजा गया है। भरत यादव के एकेबीएन का एमडी बनाने के बाद प्रमुख सचिव मनु श्रीवास्तव इसके अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त हो जाएंगे। कांग्रेस के इशारे पर पुलिस प्रशासन ने मुझे जान से मारने की साजिश रची थी। एक 63 वर्षीय सांसद के आसपास जानबूझकर मिर्ची बम, आंसू गैस के गोले दागे गए, वाटर कैनन का प्रहार किया, इस सब के बाद लाठीचार्ज किया। प्रयास यह था कि मेरा दम घुट जाए और दिल का दौरा पड़ जाए। ये गंभीर आरोप पूर्व मंत्री बाप मुरैना सांसद अनुप मिश्रा ने लगाया है। उन्होंने गत रोज भाजपा नेताओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में बुधवार को फूलबाग पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मौन धरना भी दिया। कल जिस तरीके से वो कार्यक्रम हुआ और उस कार्यक्रम में बगैर चेतावनी के वाटर कैनिंग, कैनिंग चार्ज, टीयर गैस के गोले और मिर्ची पाउडर के बम फोड़े गए, ये बगैर चेतावनी के नहीं होता, ये एडीएम के आदेश पर होता है, वो अनाउंस करते हैं उसके बाद होता है। और जिस तरीके से उन्होंने लोकार्पण, भूमि पूजन किया, शिलान्यास किया, उन दोनों के विरोध में हम जिनको ये महात्मा गांधी के नाम पर राजनीति करते हैं, उन राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी के चरणों में बैठकर हम इसी पल से 2 घंटे का मौन व्रत लेके अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसा आपने देखा, आप सब लोग ही साक्षी रहे कि पुलिस प्रशासन सत्ता की सह पर हमारे सांसद जी अनु मिश्रा जी और हम सब लोगों का मारने का प्रयास एक किया गया। और आपने देखा होगा जिस तरह से हम शांतिपूर्ण रूप से वहाँ आंदोलन कर रहे थे, एकाएक प्रशासन ने जो अस्त्र गोले और मिर्ची बम और पानी की कैन के द्वारा और लाठीचार्ज के द्वारा जो कार्यकर्ताओं को बर्बरतापूर्वक जो उन्होंने अत्याचार किया, उसके खिलाफ़ आज मौन
धरना हम यहाँ गांधी जी के प्रतिमा स्थल के पास दे रहे हैं। कांग्रेस विधायक मुन्नालाल गोयल की शिकायत पर झांसी रोड थाने में भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज होने की सूचना पर देर रात यहां अनूप मिश्रा सहित तमाम भाजपा नेता पहुंचे और पुलिस को पूरे घटनाक्रम की जानकारी भी दी। इसके साथ ही पुलिस का कहना है कि अभी किसी नामजद व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया गया है और सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद ही पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। नहीं, एफआईआर दर्ज कराई गई है जसवंत गुर्जर की तरफ से, जो उसके साथ उसको प्रताड़ित किया गया, उसके हाथ की हड्डी फ्रैक्चर हुई है, कंधे में चोट आई है, जो मारपीट की गई वो कैसे बच के आया है ये हम सब लोग जानते हैं। उसके सारे कपड़े फाड़ दिए गए। भरपूर प्रयत्न किया कि इस आंदोलन को तीव्र और उग्र आंदोलन बनाया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत ईमानदारी के साथ शांतिपूर्ण ढंग से उस आंदोलन को अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंचाया। नहीं, कोई थाना घेराव नहीं हुआ है। यह बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ घटना के उसमें एफआईआर कराने आए हुए थे, तो इनसे एक लेखी आवेदन लेके प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इनका ऐसा कहना था कि कुछ लोगों ने इनके साथ में मारपीट की है जिससे उसके हाथ में चोटें आई हैं, तो इस घटनाक्रम को सीसीटीवी फुटेज में देखा जाएगा और जिसने भी ऐसा किया होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, एक संदेह ही बताया गया है, तो उसकी सीसीटीवी फुटेज से उसके बारे में परीक्षण किया जाएगा। ग्वालियर फोटोग्राफी क्लब की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में 6-7 मार्च को पड़ाव स्थित तानसेन कला वितिका में 7वीं फोटोग्राफी एग्जीबिशन का आयोजन किया जा रहा है। बुधवार से शुरू इस 2 दिवसीय एग्जीबिशन का उद्घाटन पूर्व महापौर समीक्षक गुप्ता द्वारा किया गया। प्रदर्शनी में शहर के फोटोग्राफी क्लब में शामिल सदस्यों के फोटो का प्रदर्शन किया गया है। विश्व महिला दिवस के अवसर पर हम लोगों ने अपने जितने भी ग्रुप के मेंबर हैं, हमारे क्लब के मेंबर हैं, उनके यहाँ पर महिलाओं के ऊपर आधारित फोटोग्राफी की प्रदर्शनी लगाई है, जिसमें हमने ये दर्शाया है कि समाज के विभिन्न वर्गों की महिलाएं विभिन्न कार्य क्षेत्रों में किस प्रकार सक्रिय हैं और समाज को आगे ले जाने के लिए किस तरह से वे संघर्षरत हैं। लगभग 80 के करीब हम लोगों ने यहाँ फोटोग्राफ लगाए। आज और कल दो दिन की प्रदर्शनी है जो सुबह 11 बजे से शाम के 7 बजे तक सर्वसाधारण के लिए खुली रहेगी। हम लोगों ने यहाँ दर्शाया है कि आज से 100 साल पुरानी महिला यानी भोपाल की बेगम का फोटो भी आप यहाँ देखेंगे और आज की कर्मठ और कार्यशील महिला, कितना अंतर है समाज के, उसमें कितना परिवर्तन आया। जहाँ महिला पर्दे में रहती थी, एक ज़माना था, आज वो पर्दे से बाहर निकाल कर कदम से कदम मिलाकर समाज के इसमें सहयोग प्रदान कर रही है, यह दर्शाने के प्रयास किया है। प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने भोपाल में कैबिनेट मंत्री आरिफ अकील और नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवर्धन सिंह के साथ आरिफ नगर में बस स्टैंड का भूमि पूजन किया। समारोह में उन्होंने स्थानीय निकायों से अपेक्षा की कि निर्माण कार्यों के लिए आय के स्रोत जुटाएं। उन्होंने कहा कि इस बस स्टैंड के निर्माण के लिए भी बस स्टैंड परिसर में दुकानों आदि के निर्माण से वांछित आय अर्जित की जा सकती है। डॉक्टर सिंह ने बस स्टैंड का निर्माण अगले 6 महीने में पूरा करने के लिए कहा। ग्वालियर के जयरोग चिकित्सालय में मरीजों के लिए लगातार जगह की बढ़ती कमी को देखते हुए पिछले 15 सालों से यहां 1000 बिस्तर के नए अस्पताल के निर्माण की कवायद चल रही है। बावजूद इसके 2 बार शिलान्यास होने के बाद भी अभी तक अस्पताल का निर्माण नहीं हो सका है और मंगलवार को एक बार फिर से पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा नए अस्पताल के लिए शिलान्यास किया। भारतीय जनता पार्टी के भारी विरोध के बावजूद मंगलवार को ग्वालियर में 1000 बिस्तर के नए अस्पताल का शिलान्यास किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री द्वारा इस अस्पताल का शिलान्यास किया गया, जिसके लिए भगवत सहाय सभागार में एक विशेष आयोजन भी किया गया, जहां प्रदेश की कैबिनेट मंत्री विजय लक्ष्मी शादो, लाखन सिंह यादव, इमरती देवी, प्रद्युम्न सिंह तोमर सहित तमाम कांग्रेस नेता मौजूद रहे। एक महत्वपूर्ण दिवस इसलिए है क्योंकि आज से वो संकेत समूचे ग्वालियर अंचल में जाएगा
कि एक नया सवेरा और एक नई शुरुआत ग्वालियर चंबल संभाग के लिए नहीं लेकिन संपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए विकास और प्रगति के क्षेत्र में शुरुआत की। समारोह को संबोधित करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि इस अस्पताल के शिलान्यास के साथ ग्वालियर चंबल अंचल में विकास के नए अध्याय का शुभारंभ होगा और ये विकास का पहिया आगे ऐसे ही घूमता रहेगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, आवागमन की सुविधा के क्षेत्र में अगर कोई भी संभाग अग्रसर था तो वो ग्वालियर चंबल संभाग अग्रसर। ग्वालियर प्रवास पर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यहां विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास भूमि पूजन किया। वे SAF बटालियन में बने पुलिस आवास के लोकार्पण समारोह में भी शामिल हुए और कहा कि इन आवासों के निर्माण से पुलिस कर्मियों को रहने के लिए एक बेहतर छत उपलब्ध हो सकेगी। मध्य प्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम द्वारा ग्वालियर के SAF परिसर में 48 अधिकारी एवं 240 आरक्षकों के लिए आवासों का निर्माण किया है और मंगलवार को सिंधिया द्वारा इन आवासों का लोकार्पण किया गया। इस दौरान प्रदेश कैबिनेट में मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, लाखन सिंह, इमरती देवी सहित तमाम जनप्रतिनिधि यहां मौजूद रहे। विशेष शस्त्र बल के हमारे सम्मान्य वीर सैनिकगण जो यहां बैठे हुए हैं, मैंने ये सोचा था कि ये एक सम्मान्य हाउसिंग की योजना होगी, लेकिन आज इस स्थान पर पहुंचकर जो स्वयं मैंने निरीक्षण किया है, मैं बधाई देना चाहता हूं MP हाउसिंग बोर्ड के हमारे सभी पदाधिकारी गण को, SAF को और स्थानीय कॉन्ट्रैक्टर को भी कि इतना गुणवत्ता के आधार पर इतना अच्छा वातावरण तैनात करके एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स हमारे SAF के बल के सभी सैनिकों के लिए बनाया। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हर वर्ग के लोगों के हित में काम कर रही है, चाहे वो किसानों के कर्ज माफ करने का मामला हो या फिर बिजली के बिलों की माफी का मामला हो, सरकार अपने हर वचन पर खरा उतरने का प्रयास कर रही है। हमने कहा था किसान का ऋण माफ, बिजली बिल हाफ, भाजपा का सुपड़ा साफ। जनता ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, अब जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए किसान का ऋण माफ पहले 45 दिन में हुआ है, बिजली का बिल जो 10 हॉर्स पावर का पंप किसके पास जिसके पास हो उसका बिल हाफ, और जो 100 यूनिट का इस्तेमाल करता है उसका बिल मात्र 100 रुपये का होगा। ये दो हमारे संकल्प हमने निभाए हैं। भाजपा द्वारा 1000 बिस्तर के अस्पताल के शिलान्यास के विरोध पर उन्होंने कहा कि भाजपा अभी भी इस बात को हजम नहीं कर पा रही है कि सत्ता उसके हाथ से निकल गई है। पिछले 15 सालों में प्रदेश में विकास कार्यों का सत्यानाश हुआ है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण ग्वालियर में बनने वाला 1000 बिस्तर का अस्पताल है, जो कि 2 बार भूमि पूजन के बाद भी आज तक निर्मित नहीं हो पाया। कठिनाई है कि BJP शायद इस बात को हजम नहीं कर पा रही है कि सियासत उनके हाथ से निकल चुकी है, और जो उन्होंने 15 साल में मध्य प्रदेश का सत्यानाश करके छोड़ दिया। उदाहरण आपके लिए सबसे बेहतरीन उदाहरण आपके लिए यही अस्पताल है, जिसका शिलान्यास 2005 में हुआ है, 2009 में हुआ है, और वो दोनों शिलान्यास हुए हैं JH अस्पताल में। जहां ये अस्पताल मैं स्थापित कर रहा हूं वहां नहीं, और
2005 आज 2019 में हम 14 साल में एक ईंट भी नहीं लगा। तो इसलिए मैं जो आपको कहता था बार बार कि ये घोषणा वीरों की सरकार है, इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण आपके पास आज ही आपको स्वयं मिल गया और आपके द्वारा आपके दर्शकों को भी मिल गया। ग्वालियर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का यहाँ ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर कांग्रेस नेताओं द्वारा यहाँ जोरदार स्वागत किया गया। सिंधिया यहाँ रेलवे स्टेशन से सीधे महल के लिए रवाना हुए, हालांकि वे पड़ाव आरूबी के नए पुल का उद्घाटन करने नहीं पहुंचे। माना जा रहा है इस दौरान ग्वालियर रेलवे स्टेशन से महल गेट तक बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं का काफिला भी उनके साथ रहा। ग्वालियर में बनने वाले 1000 बिस्तर के अस्पताल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तकरार लगातार तेज होती जा रही है। मंगलवार की दोपहर अस्पताल के शिलान्यास कार्यक्रम का विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे भाजपा नेताओं पर हुए लाठीचार्ज पर मुरैरा सांसद अनूप मिश्रा ने सीधा आरोप लगाया है कि प्रशासन द्वारा उनके ऊपर जानलेवा हमला किया है और उल्टे कांग्रेस नेताओं के इशारे पर भाजपा नेताओं के खिलाफ ही मामले दर्ज कराए गए हैं। मुखर्जी भवन स्थित भाजपा कार्यालय में अनूप मिश्रा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि जिस हॉस्पिटल का शिलान्यास हो चुका है उसका शिलान्यास दोबारा कराना गलत है और भाजपा कार्यकर्ता इसी बात का शांतिपूर्ण विरोध कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने शासन के इशारे पर भाजपा नेताओं पर लाठीचार्ज कर वाटर कैनन और अश्रु गैस का इस्तेमाल किया जिसमें कई भाजपा नेता घायल हुए हैं। जिस चीज का एक बार शिलान्यास हो गया, बजट में प्रोविजन हो गया, जिसकी टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो गई है, उसका दोबारा कभी भूमि पूजन नहीं होता। वो भ्रम पैदा कर रहे हैं कि तीसरी बार हो रहा है। एक ही बार हुआ था 2005 में, कुछ हुआ नहीं। 2009 4 नवंबर को पहली बार उसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया और अभी उसका सितंबर में वर्क ऑर्डर होके काम चालू हुआ है पॉटरीज के अंदर। निश्चित तौर पर हम जब शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, आदरणीय शीतला साई जी की प्रतिमा के पास बैठे हुए थे, तब एसपी महोदय आए थे नवनीत भसीन, बोले हम अपेक्षा करते हैं कि आप शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। हमने कहा हम बिल्कुल शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, वो चाहते तो वहीं पर हमको गिरफ्तार कर सकते थे। तो निश्चित तौर पर जब हम आगे बढ़े, तो जैसे ही आगे बढ़े उन्होंने वाटर कैनिंग की, कैनिंग चार्ज किया, अश्रु गैस के गोले छोड़े और मिर्ची के पाउडर के गोले भी छोड़े। आप क्या अपेक्षा करते हैं उस सारी की सारी कैनिंग पर्टिकुलर व्यक्ति के आसपास, कि वो कैसे उसकी चपेट में आ जाए, कैसे वो गिर पड़े? ये मारने का षड्यंत्र नहीं तो क्या होगा? हमारे पार्टी के महिला मोर्चे की महिलाएं कार्यकर्ता उसमें चोटिल हुई, कार्यकर्ताओं के कपड़े फटे, लाठी के निशान उस पर शरीर पर, जिस तरीके से पिटाई की गई, ये कभी नहीं होता है। शांतिपूर्ण आंदोलन को हिंसात्मक आंदोलन में बदलने की साजिश उनकी तरफ से हुई। कांग्रेसियों द्वारा एफआईआर दर्ज कराने पर मिश्रा ने कहा कि ये एफआईआर पूरी तरह से भ्रामक एफआईआर है और कांग्रेस सरकार के निशाने पर ये कृत किया गया है, जिसके जवाब में हम भी झांसी रोड थाने जाकर कांग्रेसियों के खिलाफ मामला दर्ज कराएंगे और फूलबाग स्थित गांधी उद्यान में बुधवार को शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जाएगा। झूठे और भ्रामक एफआईआर है, पिटे हम हैं और एफआईआर वो करा रहे। लाठीचार्ज हमारे लोगों पर हुआ है, मारने का प्रयत्न मेरे ऊपर हुआ है, मैंने तो एफआईआर नहीं कराई। वो एफआईआर कराने पहुंचे, वो नहीं पहुंचे। उस भगवत सभागार में एसपी को निर्देशित किया गया क्या भी इनकी एफआईआर लिखिए आप और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमे कायम करिए। तो ये किसके सारे पर हो रहा है?
या तो चीफ मिनिस्टर के, क्योंकि वहां तीन तीन चीफ मिनिस्टर हैं, उसमें से एक यहां आए थे सभागार में, किस हैसियत से चीफ गेस्ट करके कर रहे थे। हम दर्ज कराने जा रहे हैं, हम झांसी रोड थाने यहां से जा रहे हैं, और कल भी हम इसके खिलाफ 1 बजे से 3 बजे के बीच गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष मौन धारण करते हुए अपना विरोध प्रदर्शित करेंगे। सांसद अनूप मिश्रा द्वारा कांग्रेस सरकार पर दमनकारी नीति अपनाने का आरोप लगाने के बाद देर शाम कांग्रेस नेताओं द्वारा भी कांग्रेस कार्यालय परिसर में एक पत्रकार वार्ता कर भाजपा नेताओं पर कांग्रेस विधायक मुन्नालाल गोयल पर हमला करने का आरोप लगाया है। खुद मुन्नालाल गोयल ने मोर्चा संभालते हुए कहा कि कांग्रेस अगर विकास कार्य कर रही है तो भाजपा के लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। उनके ऊपर जिन लोगों ने हमला किया उनके चेहरे CCTV कैमरे में दर्ज हुए हैं और उनके खिलाफ ही FIR की गई है। मैं कहना चाहता हूं कि सिंधिया जी के प्रयासों से इस अंचल में एक नई सौगात मिली है। 1000 बिस्तरों का अस्पताल बनने जा रहा है। निश्चित तौर पर ये ग्वालियर के लिए बहुत बड़ी बात है। भाजपा के लोग 15 सालों में जो काम नहीं कर पाए वो काम सिंधिया जी ने अपने प्रयासों से कर दिया है। मैं कहना चाहता हूँ कि भाजपा के लोग जिस तरीके से हमले की राजनीति कर रहे हैं, आज जब मैं गया मेरी गाड़ी पर हमला करने का प्रयास हुआ, कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं होते तो मेरे ऊपर हमला होता, ये सब भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनूप मिश्रा के षड्यंत्र के चलते हुआ है। उनके कार्यकर्ताओं ने हमला किया है, इसके निश्चित तौर पर इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, ये हमने रिपोर्ट भी दी है। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता कभी भी गांधीवादी तरीके से चलना चाहता है, हम किसी को मारना नहीं चाहते, लेकिन हमारा जो कॉज है, जनता ने हमको जो ड्यूटी दी है, ग्वालियर की स्वास्थ्य सेवा है, सड़क सेवा है, पानी की सवाल है, यातायात व्यवस्था है, इन सब सवालों पर आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी काम करना चाहती है, विकास कार्य के एजेंडे पर काम करना चाहती है। भाजपा के लोगों पेट में दर्द हो रहा है, जो काम 15 साल में नहीं कर पाए वो काम आज कांग्रेस पार्टी तब तक करने जा रही है। तो मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को जनता ने जो जिम्मेदारी सौंपी है, विधायकों को जो जिम्मेदारी सौंपी है, उस जिम्मेदारी का पूरा निर्वाह हम लोग करने जा रहे हैं। भाजपा के लोग कोई नौटंकी कर रहे हैं और हमले की राजनीति कर रहे हैं, इस सबको कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये किसने किसने मारा उनको, फुटेज सीसी फुटेज देख लो आप, शीतला साई स्टेजी पर जो हमला हुआ सीसी फुटेज है, मेरी गाड़ी पर पत्थर फेंका, मेरी गाड़ी का कांच टूटा है, उसके बाद मेरे पे हमला करने के प्रयास, वो सारे फुटेज हैं, उनको उन पर हमला किसने किया, फुटेज तो होंगे क्या यार, बता दे पुलिस को। थीम रोड पर नए अस्पताल के शिलान्यास का विरोध कर रहे भाजपा नेता पर हुए लाठीचार्ज की जानकारी मिलने पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर JH पहुंचे और यहां लाठीचार्ज में घायल हुए कार्यकर्ताओं से भेंट की। उन्होंने इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा आलोकतंत्र पर विश्वास करती है और आज की घटना में जिस तरह भाजपा नेताओं पर लाठीचार्ज हुआ है उससे कांग्रेस का चेहरा सामने आया है और भाजपा इससे डरने वाली नहीं है। सारे संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना, अविश्वास करना, उनको हल्का करना, ये कांग्रेस का सगल रहा है। और आज की जो घटना ग्वालियर में हुई है यह भारतीय जनता पार्टी की अलोकतांत्रिक गतिविधियों के विरुद्ध संघर्ष था और इसमें जिस प्रकार से सत्ता के नशे में चूर होकर कांग्रेस ने अधिकारियों का पुलिस का इस्तेमाल करके बर्बरतापूर्वक हमला भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर किया, मैं उसकी तीव्र शब्दों में निंदा करता हूं और भारतीय जनता पार्टी इससे पीछे भागने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि 1000 बिस्तर के अस्पताल का पूर्व में जब शिलान्यास हो चुका है तो उसका दोबारा शिलान्यास करने की कोई ज़रूरत नहीं है और अगर कांग्रेस के लोगों को शिलान्यास का इतना ही शौक है तो वे नई योजनाएँ लागू कर उन पर काम करें। जो हॉस्पिटल का विषय था वो हॉस्पिटल एक बार मुख्यमंत्री उसका शिलान्यास कर चुके हैं। वो हॉस्पिटल की कल्पना भारतीय जनता पार्टी ने की थी, उस हॉस्पिटल के लिए बजट भारतीय जनता पार्टी ने प्रावधित किया था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय उसका काम प्रारंभ हुआ, तो दोबारा से उसका शिलान्यास करने की क्या ज़रूरत थी। शिलान्यास करने की अगर इतनी भूख है तो कांग्रेस की प्रदेश में सरकार है वो नए प्रोजेक्ट को लाते, इस हॉस्पिटल में वो 100 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान कर देते। अगर विकास के इतने ही हिमायती बनते हैं तो जो रोपवे का काम बंद करा रखा है वो रोपवे का काम उनको शुरू कराना चाहिए।
ग्वालियर शहर के स्मार्ट सिटी योजना में शामिल होने के बाद लगातार शहर को साफ स्वच्छ बनाए रखने के लिए निगम और स्मार्ट सिटी अथॉरिटी द्वारा काम किया जा रहा है। इसी कार्यक्रम में मंगलवार को निगम के बाल भवन परिसर में प्राइवेट कंपनियों द्वारा अपनी सफाई मशीनों का डेमो किया गया। निगम द्वारा जल्द ही इसमें से सटीक काम करने वाली मशीनों का क्रय किया जाएगा, जिससे कि शहर की सफाई व्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके। डेमो प्रेजेंटेशन के मौके पर महापौर विवेक सेजवलकर सहित यहां तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। कंपनी का तो बताएंगे अभी, ये कंपनी का बात इनसे कर लो, पर नगर निगम में स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत कुछ मशीनें क्रय करने का विचार यहां पर हो रहा है, उसका डेमोंस्ट्रेशन यहां पर दिया जा रहा है। हमने देखा कि बहुत अच्छी सफाई भी होती है और उपयोगी भी मशीनें हो सकती हैं, उस पर विचार हम कर रहे हैं इसको क्या किस तरह खरीदना। अभी ऐसा विचार किया गया है कि शुरुआत में 2 या 4 गाड़ी खरीदेंगे, स्मार्ट सिटी कंपनी खरीद करके नगर निगम को देगी चलाने के लिए, नगर निगम उसको चलाएंगे और देखेंगे उसके रिजल्ट्स के बाद और भी मशीनें बढ़ा सकते हैं, इस तरह का सोच रहे भी हम लोग। और अब हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए इंडिया खबर लाइव।